बिस्मिल्लाह अस्सलाम डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमें अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट मिली है। हमने कहा कि अपने दोस्तों से शेयर कर लें। हम पिछले दिनों एक दो दिन पहले हमने एक वीडियो अपनी जो है अपलोड की थी कि अमरे पे जो है पाबंदी आयद हो चुकी है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी मुश्किलात थी। तो उस हवाले से फैमिली वीज़ा और विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा रखने वाले अफराद भी जो है इसकी ज़द में आ गए थे। लेकिन अब वो उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिनके पास फैमिली विजिट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है या ट्रांजिट वीज़ा पे जो सऊदीया जाना चाहते हैं, तो सऊदीया ने खुशखबरी सुना दी है। और ये जो खुशखबरी है सिर्फ PIA और सऊदी एयरलाइन के ज़रिए आप हासिल कर सकेंगे। यानी आप जो है सऊदीया के लिए अगर अप्लाई आप करेंगे तो सऊदीया एयरलाइन के ज़रिए और PIA के ज़रिए, ठीक है। ये अनाउंसमेंट दो दिन हुई है सऊदीया की तरफ से, सऊदी अरब की अपनी वेबसाइट पे हुई है, ठीक है। पाकिस्तान से अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं फैमिली वीज़ा पे तो आप जा सकते हैं, वर्क वीज़ा पे जा सकते हैं, विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं और ट्रांजिट वीज़ा पे जा सकते हैं। लेकिन आपको जो सफ़र है वो सऊदी एयरलाइन के ज़रिए करना होगा और PIA एयरलाइन, इन दो एयरलाइन के अलावा आप सफ़र इन वीज़ों पर भी नहीं कर सकेंगे। तो ये गुड न्यूज़ उनके लिए है जिनके पास विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा वगैरह हैं, तो वो सऊदी के लिए एलिजिबल हैं। उम्र से अभी तक कोई ख़बर नहीं आई है और जैसी कोई उसके बारे में हमें अपडेट मिलेगी तो हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।